फिजिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट गिव द आइडिया अबाउट रियोस्टेट। रियोस्टेट यूज इन टू वेज, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। उसके कुछ फिगर्स हैं, सर्किट्स हैं, वो मैं पोटेंशियोमीटर के ड्रॉ करता हूं, साथ साथ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। इट्स अ वेरी चीपेस्ट वे टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किस बेस पे? विदाउट ड्राइंग एनी करंट इन द सर्किट। इसकी थ्री फिगर्स हैं, वो फिगर साइड में बनाऊंगा, इधर मैथमेटिकल रिलेशन करूंगा मैं। ये जनाब आपकी वायर है ए बी, ओके, और ये इसके ऊपर नॉब है सी। इसकी रेजिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट, टोटल की रेजिस्टेंस आर है और ए टू सी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है एक सर्किट। दूसरा, हमने बैटरी के साथ ये वायर लगा दी है और इसके साथ हमने वोल्ट मीटर के जरिए चौकी लगाई है सी पे, ठीक है, और ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच इज दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल विच इज अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। ये इस वक्त दूसरी फिगर इसकी, ये फिगर नंबर वन, फिगर नंबर टू और फिगर नंबर थ्री। इसके साथ हमने अभी अननोन सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल में नोन नहीं है। इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और ये जोकी के जरिए ए बी स्लाइड करेंगे तो कोई इसका सी पॉइंट आ जाए। ये ई एक्स है, अननोन रेजिस्टेंस। ये माय डियर स्टूडेंट्स, थ्री की थ्री फिगर्स आपने इसको आराम से समझेंगे। सबसे पहले आपने इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लिखनी है ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन आखिर में इसका यूजेस बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन लिखी, फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। मैंने आपको बताया हुआ बोर्ड पे मैंने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आई जस्ट गिव एन आइडिया एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। डेफिनेशन क्या बताई मैंने? इट इज अ डिवाइडर दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट इन द ओरिजिनल सर्किट, ओके। कंस्ट्रक्शन में क्या है जी? इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर हुज रेजिस्टेंस इज आर, ए बी उसके फिक्स एंड्स हैं, ओके? तो जब हम सी इज अ स्लाइडिंग, जिस तरह रियोस्टेट में था बिल्कुल सेम उसकी फिगर है, तो व्हाट इज द करंट, अगर ईएमएफ ई है, व्हाट इज द करंट इन दिस वायर इज ई बाय आर, वही ओम लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, ओके। इसको जरा क्लियर करें। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हमने पहले ड्राइव किया था, इफ वी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जब ए और सी के दरमियान है, इस वक्त क्या सिचुएशन होगी? V इज इक्वल टू R बाय कैपिटल R और EMF वोल्टेज। ये हमने रियोस्टेट में भी ड्राइव किया था, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप कैन बी वेरिड फ्रॉम जीरो टू V वोल्ट तक ड्रॉप होता है, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। उसके बाद कहते हैं हमने इसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है, इसको हम कहते हैं प्रूव दैट, कभी कभी इसका प्रूव आता होता है जी, प्रूव दैट ई वन बाई ई टू रेशियो ऑफ टू ई एम एफ इज ऑलवेज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। ई एम एफ देयर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ एल वन बाई एल टू। कभी कभी ये डेरिवेशन भी प्रूफ की फॉर्म में पूछेगा, ओके। अभी देखें, ये रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया जनरल। जब हम इसको कहते हैं कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ई एक्स है, तो ई एक्स जब हम लेंगे तो इसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज। कैसे चेंज हो जाएगी? वी ई एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि हमने ये सेल जिसके हम पोटेंशियल फाइंड करना है आर बाय कैपिटल आर ई एम एफ, ये एक हमने पार्ट फाइंड कर लिया जी। अभी देखिए, हमने एक सेल लगाया जिसको हम बैलेंसिंग लेंथ उसकी सपोज करें L1 है। दो पॉइंट यहां पे याद रखने हैं, स्मॉल r को रिप्लेस कर रहे हैं,
क्योंकि हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल के है और ये ही रेजिस्टेंस पूरी की कैपिटल एल पे है. आर कैपिटल नियर अबाउट टू बी कैपिटल एल के और स्मॉल आर स्मॉल एल के नियरली इक्वल है. ये हमने रिप्लेस करनी है वैल्यू. तो क्या कहता है, कहता है जब आफ्टर एडजस्टिंग द सर्किट हमने सी को ऐसे एडजस्ट किया है क्या कि उसका पहला जो पॉइंट है, ये मैंने जो पॉइंट लिखा है वो अगर L1 के ऊपर आके, इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट, कंपैरिजन ऑफ टू EMFs, ठीक है, टू डिफरेंट EMFs, ठीक है जी. ये कंपैरिजन अभी मैं करने लगा हूं, क्या करने लगा हूं जी, वी कैन सपोज दैट कंपेयर करेंगे E1, जब E1 के साथ हम लिखेंगे तो कहता है एक ऐसा पॉइंट आएगा L1 का जहां पे हम जोकी को हम मूव करेंगे, ग्लोनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, मीन देर इज नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, विदाउट ड्राइंग एनी करंट. तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई एल वन बाय कैपिटल एल. गॉट दिस पॉइंट, इसी से फार्मूले से निकला है, स्मॉल आर प्लेस्ड बाय स्मॉल एल, कैपिटल आर रिप्लेस्ड बाय कैपिटल एल. चूंकि आर की जगह हमने एल वन लिया है, एक सेल है, पहला सेल है, दूसरा सेल जब लेंगे तो वो ई टू है, ई L2 by capital L. जब आप इनकी रेशो लेंगे उस रेशो को कंपेयर कहते हैं, जब भी कहते हैं ना कंपेयर द टू सेल्स डिफरेंट EMF, तो रेशो ले लें इसके, E1 by E2 ले लें, E1 की जगह वैल्यू उसकी पुट कर दें, L1 by L, E L2 by L. जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपके पास L1 by L2 आ जाएगा. हेंस ये कंपैरेटिव स्टेट आपकी क्या आ गई, ई वन बाय ई टू, एल वन बाय एल टू. तो ये माय डियर स्टूडेंट्स इसकी कंपैरेटिव रेशियो आ गई. दिस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ टू ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ. पहले आपने ई वन सेल पहला लिया, उसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की एल वन, फिर आपने ई टू सेल लेना है, मतलब ई टू के मुताबिक उसकी बैलेंसिंग लेंथ. ई तो वो जर्नल है जो कि अप्लाई हुआ है, ये E given है हमारे पास. तो ये प्रूव करना भी आ सकता है. अभी इसकी थोड़ी सी जरा सुन लें, यूजेज इसके क्या हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल, नॉर्मली जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इसमें क्या डिफरेंस है, वोल्ट मीटर में चूंके आई प्रोपोर्शनल टू वी है, कहता है कोई ऐसा वोल्ट मीटर नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की लिमिटेड वैल्यू होती है. जब तक वोल्ट मीटर में इंफिनिट रेजिस्टेंस नहीं होगी उस वक्त तक उसमें करंट वेरी करेगा, कभी कम कभी ज्यादा, रेजिस्टेंस कम होगी करंट फ्लो होगा, ठीक है. तो उसमें फिर चूंकि करंट नहीं फ्लो होना चाहिए ताकि पोटेंशियल सेम रहे, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है. तो कहता है ड्यू टू दिस रीजन इट इज नेसेसरी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सर्किट रेजिस्टेंस. तो कहते हैं इस वजह से हम अदरवाइज appreciable current will flow through the voltmeter, so which is not to be applicable. So voltmeter can read correct potential difference only when no current is flowing through the circuit. usme current nahi flow hona chahiye. to chuke potentiometer is a cheapest and very simple instrument device jiske zariye hum potential difference find kar sakte hain without drawing any current. to my dear students ye chhota sa topic hai. Other hand, potential difference is a very simple instrument which can be measured and compare the potential difference accurately by drawing or without drawing any current in the circuit. So, ye dear students, maine aapke liye koshish ki hai. Iska pehla circuit simple, maine wire ko A B fix hai, C knob sliding hai, wahi rheostat wali. Fir iske sath voltmeter lagaya iska potential difference find karne ke liye, jo ki jahan pe jaake ek specific point aayega jahan pe ye value degi. Fir अननोन सेल, ये सेल है समझे, ये हमने स्मॉल सेल यूज की है E1 के नाम से, कभी E2 के नाम से, ठीक है. ये दो सेल, ये कंपैरेटिव स्टेट में हमने जो लिखा है ये वाला सारा कंपैरेटिव स्टेट वाला. तो प्लीज इसको आप आराम से देखें, क्योंकि ये तीनों टॉपिक हैं रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ रूल्स. ये चार टॉपिक्स हैं इस 13 चैप्टर के. इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उम्मीद है कि हम इसको, आपको ये टॉपिक बेसिक पॉइंट समझ है, बेसिक पॉइंट इसका रियोस्टेट के साथ ही है. थैंक यू.